नमस्कार दोस्तों वी के नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है टेक्निकल मेंस हिमाचल प्रदेश एसएससी, एस सी यूपी सहित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ विश्वास दिलाता हूँ क्वेश्चन बहुत अच्छे लगेंगे आपको वीडियो बस लास्ट तक देखना बहुत कुछ आप नया सीख जाएंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ कंप्लीट वीडियो देखना कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको क्वेश्चन कैसे लगे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें इसी तरह के क्वेश्चन नोट्स हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड जरूर करें ऐप में प्रैक्टिस टेस्ट कंप्लीट पेड कोर्स भी आपके लिए अवेलेबल है आइए दोस्तों आज के प्रश्नों से शुरू करते हैं नंबर वन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है सारे ऑप्शन हमेशा की तरह आज फिर क्लियर करूंगा आपके सामने ज़रूर इसे देखिएगा थोड़ी सी हो सकता है कि वीडियो आपको ब्लर नज़र आए लेकिन मैं पढ़ करके आपको सारे ऑप्शन ज़रूर बताऊंगा सवाल नंबर वन क्या कह रहे हैं निम्न में से कौन सा गलत सुमेलित है यानी एक मशीन या डिवाइस का नाम दिया है उससे रिलेटेड किसी एक उसकी प्रक्रिया मान लीजिए या उसमें होने वाले हानि या उसमें होने वाले फाल्ट का नाम लिखा गया है ए ऑप्शन में देखो इंडक्शन मोटर में कोगिंग होती है तो ये बिल्कुल सही है कोगिंग क्या होता है दोस्तों कोगिंग को अपन मैग्नेटिक लॉकिंग भी बोलते हैं चुंबकीय लॉकअप भी बोलते हैं रोटर और स्टेटर का चुंबकीय रूप से लॉकअप हो जाना यानी हम देसी भाषा में इसे चौक होना भी बोलते हैं दरअसल रोटर जो होता है वो स्टेटर से कुछ आरपीएम पी पीछे चलता है हमेशा यानी यूँ बोला जाता है कि रोटर हमेशा स्लिप स्पीड के साथ चलता है लेकिन यदि दोनों के बीच में से स्लिप गायब हो जाए और रोटर और स्टेटर एक समान स्पीड पर रोटेट करें तो इंडक्शन मोटर में इस अवस्था को कोगिंग कहा जाता है और ये सामान्यतः सही नहीं माना जाता है ऐसी कंडीशन में मोटर का टॉर्क जीरो माना जाता है सो ये हमारे लिए उपयुक्त नहीं होती है पहला ऑप्शन तो सही है बी ऑप्शन में दिया हुआ है कि अल्टरनेटर में हंटिंग तो ये भी सही है सिंक्रोनस मशीनों में चाहे सिंक्रोनस जनरेटर हो अल्टरनेटर का ही दूसरा नाम होता है सिंक्रोनस जनरेटर चाहे सिंक्रोनस मोटर हो दोनों में हंटिंग होती है हंटिंग क्या होता है सिंक्रोनस मोटर में दरअसल और जनरेटर में रोटर जो होता है वो लगभग उसी स्पीड से चलता है जिस स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करता है या यूँ कहें कि जो उसकी सिंक्रोनस स्पीड होती है उसमें चलता है अब यदि इसका रोटर स्लिप स्पीड पर चलने का प्रयास करता है तो वो दोलन करने लग जाता है उस पर वाइब्रेशन आने शुरू हो जाते हैं जिसे हम रोटर को हंट करना बोलते हैं कहते हैं कि रोटर हंट कर रहा है या इवन ये भी कहा जाता है कि अल्टरनेटर हंटिंग कर रहा है तो ये प्रक्रिया भी सही है अल्टरनेटिंग से ही जुड़ा हुआ है हंटिंग शब्द है और इसके निवारण का भी आपको पता होगा डेम्पर वाइंडिंग लगाई जाती है कहाँ लगती है डेम्पर वाइंडिंग पोल फेस पर लगती है सामान्य अवस्था में डेम्पर वाइंडिंग में कोई ई उत्पन्न नहीं होता है डेम्पर वाइंडिंग केवल तब सक्रिय होगी जब हंटिंग उत्पन्न होगी ट्रांसफॉर्मर में हमिंग होता है तो ये भी बिल्कुल सही प्रक्रिया है हमिंग होता है मैग्नेटिक कोर से निकली ध्वनि चुंबकीय कोर जब शोर करती है चैटरिंग करती है तो इसे हम करना बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर की कोर में हमिंग होती है और कोर की लेमिनेशन जब लूज हो जाती है उनके बीच में एयर गैप आ जाता है देन उस समय वो हमिंग करती है तो ये भी सही है सिंक्रोनस मोटर में क्राउलिंग ये गलत हो गया दोस्तों क्राउलिंग जो है वो सिंक्रोनस मोटर का नहीं क्राउलिंग भी इंडक्शन मोटर का ही एक है, हिस्सा है यह इंडक्शन मोटर से ही संबंधित है क्राउलिंग क्या होता है अपनी सिंक्रोनस गति के सातवें भाग पर जब रोटर गति करता है तो उसे क्राउलिंग कहा जाता है इंडक्शन मोटर में क्राउलिंग हार्मोनिक्स के कारण उत्पन्न होती है ये भी ध्यान रखें सो इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना था डी सिंक्रोनस मोटर से क्राउलिंग संबंधित नहीं है दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन पर जब आपने दो मिनट का वक्त दिया है तो आपने बहुत कुछ इससे सीखा है कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको चीज़ें कैसी लगती है लाइक तो करना ही है और हो सके तो प्लीज़ एक व्हाट्सअप ग्रुप एक टेलीग्राम ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए यार दोस्तों तक कंटेंट पहुंचना ज़रूरी होता है सवाल नंबर दो आपकी स्क्रीन पर है पेल्टियर प्रभाव किसका विलोम होता है अब देखो क्वेश्चन इतना डीप चला गया कि फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपको पता होना चाहिए कि पेल्टियर प्रभाव क्या होता है फिर आपको इन सब का पता होना चाहिए कि ये क्या है तभी आप अंतर कर पाएंगे तो आइए पहले पेल्टियर प्रभाव पर चलते हैं दोस्तों दरअसल पेल्टियर प्रभाव ये होता है बड़ा सिंपल सा कि दो भिन्न धातुओं को जब गर्म किया जाता है तो एक सिरे पर उसमा अवशोषित होती है और दूसरे पर उत्सर्जित होती है यानी एक सिरे पर हीट उत्पन्न की जाती है और दूसरे में उसे ऑब्जर्व कर लिया जाता है जनरली ये कहा जाता है कि हीट से इसमें तापांतर जनरेट किया जाता है तो बिल्कुल इसका ठीक उल्टा जो है ना वो सीबेक प्रभाव है सीबेक प्रभाव में क्या होता है तापांतर के कारण विभुआंतर पैदा होता है दरअसल पेल्टियर प्रभाव को शॉर्ट में हम बोलते हैं विभुआंतर के कारण तापांतर पैदा करना सीबेक प्रभाव को शॉर्ट में हम कहते हैं तापा अंतर से यानी ताप में अंतर से विभवांतर पैदा करना यानी विभव में अंतर ला देना ठीक है और जूल प्रभाव फेराडे और थॉमसन ये भी तीनों आप आई होप की चीज़ों को अच्छे से पढ़ते होंगे कमेंट करके जरूर बताइए आप जूल प्रभाव फेराडे के प्रभाव के बारे में क्या क्या जानते हैं सवाल नंबर तीन आपकी स्क्रीन पर है भाई चार पोल इंडक्शन मोटर में यांत्रिक डिग्री का मान तीन है वैद्युतिक डिग्री में ये मान कितना होगा बहुत सिंपल क्वेश्चन है याद रखें यांत्रिक डिग्री किसी भी मशीन में हमेशा 360 डिग्री होती है लेकिन वैद्युतिक डिग्री कभी फिक्स नहीं होती है वो एक सौ इंटू पोल पर निर्भर करती है यानी अगर आपको मैं शॉर्ट में ये बताऊं तो सिंपल शब्द यह होता है कि वैद्युतिक डिग्री और यांत्रिक डिग्री में क्या संबंध होगा इसके लिए आप पोल बटा दो कर दो यहाँ पर चार पोल है दो का भाग दो इसका मतलब दो गुने का संबंध है यहाँ पर दो गुने का संबंध बोलें तो यानी एक यांत्रिक डिग्री है तो विद्युत में दो है अब यहाँ पर देखो मैकेनिकल में डिग्री तीन है तो विद्युत में कितनी हो जाएगी सिक्स डिग्री हो जाएगी सी ऑप्शन के साथ जाएंगे हमेशा क्या करना है पोल का आधा कर दो संबंध आ जाएगा जो आंकड़ा आया है उसे यांत्रिक डिग्री से गुणा कर दो दो काम करने P बटा दो इंटू मैकेनिकल बस ये कर दो बहुत है क्या करना है P बटा दो इंटू मैकेनिकल ये फॉर्मूला है शॉर्ट में वैद्युती डिग्री ज्ञात करने का डीसी मशीन में सर्वाधिक हानियाँ कौन सी होती है देखो मैक्सिमम लॉस तो आर्मेचर कॉपर लॉस ही होता है क्योंकि आइस्क्वेर इंटू आर मानते हैं और आर्मेचर धारा का मान सर्वाधिक होता है ठीक है लगभग पैंतीस से चालीस परसेंट कुल आनियों का पैंतीस से चालीस परसेंट आर्मेचर कोपर लॉस होता है हाँ अगर नंबर दो कोपर लॉस आपसे पूछा जाए तो फिर फील्ड का कोपर लॉस नंबर दो पर रहता है अगला सवाल देखिए नंबर पाँच अच्छा दोस्तों ये सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम ओरिएंटेड है कंपटीशन एग्ज़ाम में बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे हाँ हो सकता है आज आपको आसान लगे आपकी तैयारी ज़्यादा है लेकिन इस लेवल से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे आपने राजस्थान टेक्निकल लेवल पर प्री पेपर देखा होगा सवाल नंबर पाँचवा कह रहा है कि चार प्रतिशत स्लिप के साथ चलने वाले इंडक्शन मोटर में रोटर ई की फ्रिक्वेंसी क्या होगी जब सप्लाई फ्रीक्वेंसी पचास हर्टज हो बहुत सिंपल है दोस्तों इसके लिए भी ट्रिक बता रहा हूँ अगर सप्लाई फ्रिक्वेंसी पचास हर्टज हो तो स्लिप की आदि रोटर फ्रिक्वेंसी कर दिया करो यानी रोटर फ्रिक्वेंसी कितनी आएगी दो हर्टज आएगी वैसे पूरा तो फॉर्मूला याद रखना यार कई बार पेपर में पूछ लेता है रोटर फ्रिक्वेंसी का फार्मूला क्या है तो एस इन टू एफ होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडक्शन मोटर के रोटर फ्रिक्वेंसी वाला फार्मूला अगर किसी बच्चे को नहीं आता ना तो समझ लो वो एक स्टेप बाकी बच्चों से पीछे है क्योंकि इस फॉर्मूले से किसी न किसी तरीके से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है दिल्ली मेट्रो मेंटेनर इलेक्ट्रिशियन में हमने देखा क्वेश्चन पूछा गया उसमें यू पी पी में हमने देखा क्वेश्चन पूछा गया उसमें तो इसको तो आप जरूर याद रखें किसी न किसी इस तरीके से इस फॉर्मूले से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको देखने को पेपर में जरूर मिलेगा सवाल देखिए छठा आपकी स्क्रीन पर है डीसी सी संट मोटर को भी कहा जाता है दूसरा किस नाम से जानेंगे नियत गति मोटर बोलते हैं अब गति तो दिया हुआ नहीं है कोई बात नहीं बात करेंगे डीसी सी सन्ट मोटर की गति क्या मानते हैं नियत कांस्टेंट स्पीड मानते हैं अब डियर गति बदलती क्यों है डीसी मोटरों की गति या तो बेकी एमएफ़ के कारण बदलती है बेकी एमएफ़ के समानुपाती है या डी मोटर की गति बदलती है फील्ड फ्लक्स से क्योंकि डी मोटर की गति फ्लक्स के वित है अब हम सब जानते हैं कि सन्ट मोटर में फ्लक्स नियत रहता है इसलिए इसे नियत फ्लक्स मोटर भी कहा जाता है ये ऑप्शन कर देना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर में आ भी सकता है अल्टरनेटर के रोटर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों अल्टरनेटर के रोटर दो प्रकार के होते हैं इंडक्शन मोटर के रोटर भी दो प्रकार के होते हैं याद रखना काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दो दो प्रकार के दो रोटर होते हैं देखो दोबारा बताता हूँ आपको मैं अल्टरनेटर के जो रोटर होते हैं ना उनका नाम तो है बेलनाकार और सेलियंट पोल रोटर ये तो दोनों अल्टरनेटर के हैं जबकि केज़ टाइप और वाउंड जो है ना ये है इंडक्शन मोटर के दो रोटर अब अल्टरनेटर और सिंक्रॉन्स मोटर की संरचना तो समान होती है तो यूँ भी बोल सकते हो कि ये सिंक्रॉन्स मोटर के दो रोटर हैं और ये इंडक्शन मोटर के दो रोटर हैं मोटरें इम्पोर्टेंट चैप्टर रहता है हर किसी एग्जाम में मोटर से तो क्वेश्चन देखो पूछा जाना है स्वाभाविक है अगला सवाल सब स्टेशन में निम्न में से कौन सा घटक नो no लोड पर किसी उपकरण में विद्यमान धारिता आवेश को डिस्चार्ज करता है तो ये काम करते हैं हम अर्थिंग के माध्यम से अर्थिंग स्विच का हमें उपयोग करना होगा जो इक्विपमेंट की बॉडी से होते हुए जमीन के साथ जुड़ा रहता है और जो भी उसमें रेजिडिबल चार्ज होता है उसको वो ग्राउंड के थ्रू फ्लो करवा देता है ये ऑप्शन सही रहेगा अच्छे से इसे पढ़ना है क्यों शुरू बहुत इम्पोर्टेंट है एक सूचक मापी यंत्र में इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में डैम्पिंग किस प्रकार की होनी चाहिए क्रिटिकल डैम्पिंग होनी चाहिए माय डियर क्रिटिकल को हिंदी में या दूसरी भाषा में बोला जाता है लेवल डैम्पिंग निर्धारित डैम्पिंग बोलते हैं इसको तो पूरी पूरी डैम्पिंग हो ताकि इसका पॉइंटर बिना ओसिलेशन के अपने अंतिम रीडिंग पर या फाइनल मान पर तुरंत स्थिर हो जाए अगर निम्न डैम्पिंग होगी तो स्थिर होने में टाइम लेगा थोड़ी देर दोलन करेगा अति अवमंदित होगा तो वो दोलन करेगा सॉरी दोलन नहीं करेगा लेकिन फाइनल मान पर पहुंचने में ही समय अधिक ले लेगा और जीरो अगर है तो फिर तो वो दोलन करता ही रहेगा स्थिर होगा ही नहीं सवाल नंबर दसवां, तीन निम्न रेटिंग वाले हैं 230 वोल्ट सप्लाई से सीरीज में जोड़े गए थे लैंप है कौन सा लैंप तेज प्रकाशित होगा तीव्र प्रकाशित कौन सा होगा देखो प्रकाश के मामले में यदि बात की जाए ना तो फिर ध्यान रखें श्रेणी क्रम में जो सबसे कम रेटिंग वाला होता है ना वो तेज़ प्रकाशित होता है यानी मोस्ट एफिशिएंट जो होगा ना वो क्योंकि इसका रेजिस्टेंस अधिक है रेजिस्टेंस अधिक है तो इसे वोल्टेज जो है ना वो ज़्यादा मिलेगा बाकी तो सबसे तुलना करने पर अगला सवाल है कि समांतर अनुनाद परिपथ में यानी पेरदल में रेजोनेंट हो गया तो इंडक्टर और कैपेसिटर में बहने वाली धारा का मान क्या होगा दोनों समान होगी वे जब एक्स एल और एक्स सी का मान बराबर हो गया अनुनाद तो तभी होता है ना और समांतर में वी एल वी सी पहले से ही बराबर है तो फिर आई एल और आई सी बराबर हुए कि नहीं हुए जब एक सर्किट रेजोनेंट हो जाता है तो चाहे वो सीरीज हो चाहे वो पेरल हो वोल्टेज रिएक्टेंस और करंट तीनों घटक बराबर हो जाते हैं एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं परिपथ प्योर रजिस्टर की भांति काम करने लग जाता है शुद्ध रजिस्टिव की तरह होता है अगला सवाल ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब शोर्स किसी भार को अधिकतम शक्ति ट्रांसफ़र करता है उस समय उस शोर्स की दक्षता कितनी होती है फर्स्ट ऑफ ऑल अधिकतम शक्ति ट्रांसफ़र करता कब है जब शोर्स का रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस के बराबर हो यानी एक सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध उसकी बाह्य प्रतिबाधा के बराबर हो तो वो अधिकतम शक्ति स्थानांतरित करता है ध्यान रखें क्योंकि एक ही शोर्स में दो रेजिस्टेंस सीरीज़ में कनेक्ट होते हैं इसलिए दोनों को जो वोल्टेज है ना वो हाफ हाफ मिलती है इसलिए उसकी एफिशिएंसी भी आधी हो जाती है उस समय केवल पचास प्रतिशत दक्षता होती है उसकी अगला सवाल देखिए तीन इनपुट वाले एंड गेट से उच्चतम आउटपुट कितने प्राप्त होंगे देखो एंड गेट है ना तो इनपुट तीन हो या चार हो आउटपुट में उच्चतम केवल एक ही प्राप्त होगा हमेशा कब जब सभी इनपुट वन 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 होंगे निम्न आउटपुट कितने मिलेंगे फिर निम्न आउटपुट इसमें सात मिलेंगे टोटल आउटपुट कितने मिलेंगे टोटल आउटपुट इसमें आठ मिलते हैं ट्रू टेबल आप बनाकर देख सकते हैं कैसे बनेगी ट्रू टेबल मैं आपको बता दूँ तीन इनपुट में फिर क्या होता है कि आपको ऐसे कॉलम बनाने पड़ते हैं ए बी और सी एक बार ये कि तीनों जीरो जीरो फिर ये वाला वन फिर ये वाला वन फिर ये वाला वन ऐसे करोगे तो आपको आठ बार टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है बिल्कुल और अगला सवाल है कि चित्र में प्रदर्शित परिपथ में 10 ओम में से 2 एम्पियर धारा चल रही है तीन ओम के सिरों पर वोल्टेज वोल्टेड्रॉप बताइए देखो यहाँ से 2 एम्पियर करंट चल रही है ये 10 ओम का प्रतिरोध है इस शाखा का प्रतिरोध कितना बना पाँच ओम रेजिस्टेंस एक अनुपात दो है तो करंट दो अनुपात एक होगा जब यहाँ से दो एम्पियर करंट चल, तो चल रहा है तो यहाँ से चार एम्पियर करंट चल रहा है तो चार इंटू तीन करेंगे तो वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ बारह वोल्ट तो इस पर वोल्टेज कितनी आ रही है बारह वोल्ट आ रही है वैसे और बहुत तरीके हैं न जाने इस चित्र में से आपसे कितने क्वेश्चन मैं चाहता तो पूछ सकता हूँ यहाँ पर लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ है बाकी आप याद रखें चीज़ें और भी पूछी जा सकती है शोर से वोल्टेज पूछ सकता है दो ओम की वोल्टेज दो पूछ सकता है कई तरह के सवाल यहाँ पूछे जाएंगे है ना चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही करेंगे आई होप आपको वीडियो पसंद आया है पसंद आया है तो लाइक करें कमेंट करके भी बताएं और प्लीज़ यार दोस्तों को शेयर करें आप चैनल से आज ही जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट पर विजिट करके आप इसकी पी डाउनलोड कर सकते हैं क्वेश्चन की वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है